ने डबल रेट पे किसानों को बीज बेच रहा था, मौके पे पकड़ाया गया। सबूतों के साथ लाइसेंस रद्द करने की बजाय सस्पेंड किया, जो 21 दिन के लिए सस्पेंड होगा, उसके बाद फिर वो बीज बेच सकता, उसको बचाने का काम किया। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह कल कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय का करेगी घेराव। बीते दिनों एक दुकानदार पर लगाई थी रेड। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की शिकायत पर बीते दिनों थानेसर अनाज मंडी के सामने एक पेस्टिसाइड विक्रेता की दुकान पर कृषि विभाग के द्वारा रेड की गई थी और कृषि विभाग के अधिकारियों ने बीज के सैंपल भी लिए थे। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारी ने उस समय कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस को भी शिकायत दी थी। आज भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उस दुकानदार पर कोई भी विभाग के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके विरोध में कल कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय का किसानों के द्वारा घेराव किया जाएगा और दुकानदार के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग भी की जाएगी। किसान साथियों को सूचित किया जाता है कि कल 10 बजे 7 सेक्टर में जो कृषि विभाग का दफ्तर है, तो सभी साथी वहां पर इकट्ठे होंगे, क्योंकि जिस किसान ने किसान बीज लेने के लिए दवाई वाले दुकान पे गया था, जिसने डबल रेट पे किसानों को बीज बेच रहा था और उसको मौके पे पकड़ाया गया सबूतों के साथ, और कृषि विभाग के अधिकारियों ने उसका लाइसेंस रद्द करने की बजाय उसको उन्होंने केवल सस्पेंड किया, जो 21 दिन के लिए सस्पेंड होगा, उसके बाद फिर वो बीज बेच सकता, उसको बचाने का काम किया। और कृषि विभाग ने अब तक किसी भी दुकानदारों को कोई नोटिस नहीं दिया कि जो भी बीज बिकेगा वो कमेटी बनाई जाए, और डीसी की नॉलेज से हर दुकानदार में कमेटी बननी चाहिए। तो कल सभी साथी अपने हक की लड़ाई के लिए, ये लूट पूरे हरियाणा में की जा रही है और बड़ा गिरोह है, तो इससे बचने के लिए कल वहां पर प्रदर्शन होगा, रोड जाम भी किया जा सकता है। तो कल सभी साथी 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 7 सेक्टर कृषि विभाग में पहुँचे, जिससे हम अपने किसानों को लूटने से बचा सके। जय जवान जय किसान। और उसके खिलाफ ना पुलिस कार्रवाई भी होगी, तो बनने का ताला लगाएगा, सील करी जाएगी, तो धक्का मार रहे हैं भाई साहब। अगर हम आगे भाई कहीं नहीं है, यहाँ हम आए हैं, इसलिए तो आए हैं। डबल रेट पे किसानों को बीज बेच रहा था, मौके पे पकड़ाया गया सबूतों के साथ, लाइसेंस रद्द करने की बजाय सस्पेंड किया, जो 21 दिन के लिए सस्पेंड होगा, उसके बाद फिर वो बीज बेच सकता, उसको बचाने का काम किया। ऐसा नहीं चलेगा।
भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह कल कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय का करेगी घेराव। बीते दिनों एक दुकानदार पर लगाई थी रेड। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की शिकायत पर बीते दिनों थानेसर अनाज मंडी के सामने एक पेस्टिसाइड विक्रेता की दुकान पर कृषि विभाग के द्वारा रेड की गई थी और कृषि विभाग के अधिकारियों ने बीज के सैंपल भी लिए थे। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारी ने उस समय कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस को भी शिकायत दी थी। आज भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उस दुकानदार पर कोई भी विभाग के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके विरोध में कल कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय का किसानों के द्वारा घेराव किया जाएगा और दुकानदार के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग भी की जाएगी। किसान साथियों को सूचित किया जाता है कि कल 10 बजे 7 सेक्टर में जो कृषि विभाग का दफ्तर है तो सभी साथी वहां पर इकट्ठे होंगे, क्योंकि जिस किसान ने किसान बीज लेने के लिए दवाई वाले दुकान पे गया था, जिसने डबल रेट पे किसानों को बीज बेच रहा था और उसको मौके पे पकड़ाया गया सबूतों के साथ, और कृषि विभाग के अधिकारियों ने उसका लाइसेंस रद्द करने की बजाय उसको उन्होंने केवल सस्पेंड किया, जो 21 दिन के लिए सस्पेंड होगा, उसके बाद फिर वो बीज बेच सकता, उसको बचाने का काम किया। और कृषि विभाग ने अब तक किसी भी दुकानदारों को कोई नोटिस नहीं दिया कि जो भी बीज बिकेगा वो कमेटी बनाई जाए, और डीसी की नॉलेज से हर दुकानदार में कमेटी बननी चाहिए। तो कल सभी साथी अपने हक की लड़ाई के लिए, ये लूट पूरे हरियाणा में की जा रही है और बड़ा गिरोह है, तो इससे बचने के लिए कल वहां पर प्रदर्शन होगा, रोड जाम भी किया जा सकता है। तो कल सभी साथी 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 7 सेक्टर कृषि विभाग में पहुँचे, जिससे हम अपने किसानों को लूटने से बचा सके। जय जवान जय किसान। अरे चोरी नहीं है, डक्का है, डक्का किसानों की जेब पे। प्रवीण फोटो कर ली, फोटो कर ली, कमाल कर रहे हैं। उसको पकड़े और उसके खिलाफ ना पुलिस कार्रवाई भी हो रही, तो बनने का ताला लाए गए, सील करी गए, भाई साहब अगर हम कहीं नहीं हम आए हैं।